नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हीलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ मीन राशि मीन लग्न वालों का जुलाई 2019 का महीना कैसा जाने वाला है। लग्न भाव में कोई ग्रह नहीं है, लग्नेश गुरु जो है वो नवम भाव में विराजमान है, तो भाग्य इस महीने काफ़ी अच्छा आपका साथ दे सकता है, बशर्ते आप कर्म को ठीक तरीके से करें। दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं है, द्वितीयेश जो है वो पंचम भाव में नीच के विराजमान है, तो बच्चों के पीछे किसी बात को लेकर खर्च ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली उनके स्कूल के प्रोजेक्ट वर्क्स। तीसरे भाव में चंद्रमा विराजमान है, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, बच्चों के मामले में सावधान रहना ज़रूरी है, उनकी सेहत का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। चौथे भाव में शुक्र सूर्य और राहु विराजमान है, तो सुख के साधनों में वृद्धि तो होगी, लेकिन उस सुख के साधनों को आप बहुत ज़्यादा भोग नहीं पाएंगे या फिर उसका यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा, किसी न किसी काम की वजह से अक्सर आपको बिजी रहना पड़ सकता है। पंचम भाव में नीच के मंगल और बुध विराजमान है जो कि सप्तमेश है, तो पत्नी के साथ बहुत ही अच्छा रोमांटिक माहौल बन सकता है, लेकिन किसी न किसी अनजानी डर की वजह से आप थोड़े से ज़्यादा मेंटली टेंशन में आ सकते हैं। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, षष्ठेश सूर्य जो है वो चौथे भाव में विराजमान है, तो ऐसी अवस्था में जैसा कि मैंने कहा कामकाज के प्रेशर की वजह से सुख का सारा सामान रहेगा, लेकिन उसको आप सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, सप्तमेश बुध जो है वो पंचम भाव में विराजमान है, तो जैसा कि मैंने कहा पत्नी के साथ माहौल बहुत ही अच्छा जाने वाला है, विद्यार्थीगण काम पे फोकस करेंगे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन एंड टाइम पे यानी रिजल्ट के वक्त या एग्ज़ाम देते वक्त थोड़ा सा गड़बड़ आप कर सकते हैं, इसलिए फोकस्ड रहिए। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं, अष्टमेश चौथे भाव में विराजमान है जो कि सुख को थोड़ा ज़्यादा हैम्पर कर रहे हैं, यानी सुख में कमी कर रहे हैं, इसलिए हर चीज़ को करने से पहले सोच समझ के कीजिए। नवम भाव में गुरु विराजमान है, तो ऐसी अवस्था में भाग्य आपका साथ देगा अगर आप कर्म सही से करें। दशम भाव में केतु और शनि विराजमान है, तो कामकाज की जगह पे ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, हो सकता है कि कामकाज के सिलसिले में आप थोड़ा सा ज़्यादा दूर जाएं या विदेश यात्रा हो। एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, एकादशेश दशम भाव में विराजमान है, तो इनकम फ्लो तो लगभग अच्छा बना रहेगा। द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वादशेश जो है वो दशम भाव में विराजमान होने के कारण काम के सिलसिले में विदेश यात्रा भी हो सकती है। ओवरऑल ये महीना बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालना है, दो बातों का स्पेशली ख्याल रखना है, काम का टेंशन उतना ही लें जितना ले सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम का टेंशन आपके तबीयत को गड़बड़ कर सकता है, इसलिए सावधान रहिए। तो ये था मीन राशि मीन लग्न वालों का जुलाई 2019 का महीना। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।